हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट एसए चौहान, आप देख रहे हैं अपना चैनल सीबी किचन एंड गार्डनिंग। तो ये देखिए हमारे प्लांट्स, तीन चार दिन लगातार बारिश लगी रही है और ये देखिए बारिश अभी फिर भी आई हुई है। ये देखिए दिन को थोड़ी देर धूप निकल आई थी। ये देखिए हमारे प्लांट्स कुछ इस तरह की कंडीशन है इनकी। ये रोज का प्लांट मेरा, जी तो फ्रेंड ये देखिए ये रेन लिली के स्पेंड फ्लावर्स, इनको हम यहाँ नीचे से कट कर देंगे। ये देखें और भी आ रहे हैं, ये देखें। अब जब तक बारिश होती रहेगी इसके फ्लावर्स आते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये मैंने स्पेंड फ्लावर इसके हटा दिए हैं। ये हम डाल देंगे कंपोस्ट बिन में। जी तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जेट्रोफा, कुछ इस तरफ प्लांट्स लगा दिए मैंने। जी तो फ्रेंड ये देखिए रबर प्लांट मेरा एक ही बच पाया, वेरीगेटेड वाला। दूसरा जो है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। और ये देखिए इस तरफ मेरे कुछ लगे प्लांट्स, ये देखें ये रोज़ का नया फ्लावर है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। फ्लावर तो बहुत छोटा सा है ये देखिए, लेकिन खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। ये और भी कलियां आ रही हैं इसमें। और ये हमारा एरुकेरिया, ये जो दूसरा एरुकेरिया मैंने रिपॉटिंग करके लगाया था, ये भी मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए इस की भी ऊपर टिप ग्रीन है और ये लीव तो पहले ही ख़राब हुई हुई थी इसकी, ये तो अब ठीक नहीं होंगी, लेकिन ऊपर लीव्स जो आएंगी वो अच्छी होंगी। इधर जो हमने कलांचू की कटिंग लगाई थी येलो वाले की, वो भी सक्सेस हो गई है। और ये मेरे मोरिंगा का प्लांट कल मैं निकालने लगी थी, ये देखिए ये पिछले साल मैंने इसको कटिंग से लगाया था और अब ये गर्मी की वजह से और ओवर वाटरिंग की वजह से इसके पॉट में ड्रेनेज होल बंद हो गया था, उसकी वजह से ये प्लांट मेरा ख़राब हो गया था। तो इसको मैंने बस ऐसे ही बेदिली से निकाल के इधर लगा दिया इस पॉट में। तो कल मैं निकालने लगी थी, मुझे मिट्टी चाहिए थी, तो मैंने सोचा ये वाली मिट्टी मैं यूज़ कर लूँ। लेकिन जब मेरी यहाँ नीचे नज़र पड़ी इसके बॉटम पे, तो ये देखें यहाँ पे इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो जी ये मेरा मोरिंगा का प्लांट इस तरह बच गया मरने से। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए।